सावन का पावन महीना आते ही सब कुछ शिवमय हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजने लगते हैं। एक तो सावन का महीना स्वयं शिवमय होता है, ऊपर से इसके सोमवार का दिन तो अति पावन माना जाता है। इस दिन भक्तगण भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए उतावली नजर आते हैं। बात अगर बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम की करें तो इस दिन सुल्तानगंज से जल लेकर आए कांवड़ियों से शहर का चप्पा चप्पा भक्तिमय नजर आता है। लगभग 108 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल तय करके बाबा धाम पहुंचे कांवड़िए अपने भोले बाबा को जल अर्पण करने के लिए लंबी कतार में लग जाते हैं। आज सावन के तीसरे सोमवार को ऐसा ही अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए रास्तों से गुजरकर कांवड़िए श्रद्धा और समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। ऐसा लगता है मानो श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास और धर्म निष्ठा वहाँ पसारे आपको आमंत्रण दे रही हो कि आप भी सच्चिदानंद शिव में खुद को समाहित करें। प्रेम से बोलिए बाबा वैद्यनाथ की हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं बाबा? हम बक्सर से, डुमरा श्रीरामपुर बक्सर से आए हैं। श्रीरामपुर, 2 साल के बाद मेला का आयोजन हो रहा है, श्रावणी मेला लग रहा है, कैसा अनुभूति कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हम दूसरा बार आए हैं यहाँ। दूसरा बार आए हैं जी? आप बताइए। हम तीसरा बार आए हैं, बहुत सही लग रहा है। बहुत सही लग रहा बाबा के नगरी एकदम। बाबा बाबा बहुत सबके भारत सही तरह झोला, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद, दो साल के बाद जो आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, व्यवस्था कितना तंदुरुस्त आप लोग को लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 साल से नहीं आया तो लगता है कितना साल से हम बाबा धाम नहीं आए हैं। 17 साल से आया आ रहा हूँ मैं, 14 बार पैदल आया, 3 बार गाड़ी पे आया, इस बार 18 साल हो गया। मनोज मंडल, बंगाल से हूँ मैं। बंगाल से जी? मैं कमलेश यादव, श्रीरामपुर डुमराव बक्सर बिहार। बिहार से हैं जी? अच्छा आप लोग को लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ किसी का दिक्कत नहीं है पूरे रास्ते में। भजन भजन बोल बोल नाचे कमर। हमारे चैनल के माध्यम से आप भी बाबा नगरी की अलौकिकता को महसूस कीजिए। यकीन मानिए आपका मन भी रामणेश्वर महादेव बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए मचल उठेगा। देवघर से न्यूज मैराथन और न्यूज फॉर इंडिया के लिए अनूप कुमार राय की रिपोर्ट।